हाय फ्रेंड्स, मैं सोनम एंड वेलकम टू माय चैनल सोनम आईटी क्लासेस। आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंसर्शन शॉर्ट। लेकिन इस टॉपिक को डील करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो सो दैट फर्दर मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट। तो इंसर्शन शॉर्ट के पहले बोलना चाहूँगी व्हाट इज शॉर्ट और व्हाट इज शॉर्टिंग। शॉर्टिंग क्या है मेरा, विच एनी एलिमेंट्स कैन बी अरेंज ईदर इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग। दैट मीन्स किसी भी एलिमेंट को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ शॉर्टिंग अरेंज करते हैं ईदर असेंडिंग के फॉर्म में या फिर डिसेंडिंग के फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट जैसे कि आप टर्म से क्लियर होंगे, इंसर्शन मीन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली एलिमेंट को शॉर्ट करते जाते हैं एंड फर्दर उसको इंसर्ट करते जाते हैं। ओके, नाउ इंसर्शन शॉर्ट के एल्गोरिदम को हम लोग समझते हैं। बेसिकली इंसर्शन शॉर्ट को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है 6 स्टेप में। इसी 6 स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे व्हाइल शॉर्टिंग एनी एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन शॉर्ट। सबसे पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं हमें क्या करना है, गेट अ लिस्ट ऑफ अनशॉर्टेड एलिमेंट्स और नंबर्स। मीन्स सबसे पहले एक लिस्ट लेंगे अनशॉर्टेड नंबर्स और एलिमेंट का। स्टेप टू, सेट अ मार्कर इफ द एलिमेंट इज शॉर्टेड एंड पिक नेक्स्ट एलिमेंट। मीन्स कि जैसे जैसे मेरा एलिमेंट जो है लिस्ट में शॉर्टेड होते जाएगा, वैसे वैसे उस शॉर्टेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मार्क करते चलेंगे एज अ शॉर्टेड एलिमेंट। ओके, क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, एक अनशॉर्टेड एलिमेंट का लिस्ट है। तो उस अनशॉर्टेड एलिमेंट के लिस्ट में अगर हम एलिमेंट को शॉर्ट कर रहे हैं तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है इस लिस्ट में मेरा कुछ एलिमेंट शॉर्टेड है और कुछ एलिमेंट जो है वो अनशॉर्टेड है। तो क्या करेंगे, जो भी मेरा उस अनशॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट जैसे जैसे शॉर्टेड होते जाएगा, वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, हम मार्क इंसर्ट करते जाएंगे एंड देन आफ्टर मार्क करते जाएंगे एज अ शॉर्टेड एलिमेंट। नाउ कम टू द स्टेप थ्री। स्टेप थ्री, कंपेयर विथ ऑल एलिमेंट्स इन शॉर्टेड सब लिस्ट। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एक लिस्ट से मेरा एक शॉर्टेड सब लिस्ट बना था। यस, तो उस सब लिस्ट में अब जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है जिसको कंपेयर करना है, दैट मीन्स वो एलिमेंट जो अभी मेरा शॉर्ट नहीं हुआ है, तो उस अनशॉर्टेड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस शॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम क्यों अलग किए, हम क्या कर रहे थे, एक मेरे पास अनशॉर्टेड लिस्ट था, उस अनशॉर्टेड लिस्ट में हमने 2 सब लिस्ट बनाया, एक शॉर्टेड का और एक अनशॉर्टेड का। तो अब जो मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट का रिमेनिंग एलिमेंट्स बचा है जिसको हमें शॉर्ट करना है, तो उस रिमेनिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। लेकिन शॉर्ट करने के लिए हमें कंपेयर करना है, तो हम कंपेयर करेंगे जो मेरा शॉर्टेड सब लिस्ट बना उस शॉर्टेड सब लिस्ट के एलिमेंट के साथ हमें कंपेयर करना है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में देख रहे हैं, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन शॉर्टेड सब लिस्ट एंड ग्रेटर दैन द वैल्यू टू बी शॉर्टेड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो मेरा जिस एलिमेंट को हमें शॉर्ट करना है, जिस एलिमेंट को शॉर्ट करना है उसको हम कंपेयर करेंगे शॉर्टेड लिस्ट के एलिमेंट के। कोई भी शॉर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स को, तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि इससे छोटा वैल्यू अगर हमें मिला, अगर इसे छोटा वैल्यू मिला तब हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे। लेकिन अगर हमको इससे बड़ा वैल्यू मिला तो कभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। तो इस हम फोर्थ स्टेप में क्या बता रहे हैं, सिंपली हम कंपेयर कर रहे हैं। नाउ कम टू द स्टेप 5, दैट इज इंसर्ट द वैल्यू। हम क्या कर रहे हैं, अगर कंपेयर किया, कंपेयर करने पे मेरे जिस कंपेयर्ड वैल्यू से अगर मुझे छोटा वैल्यू मिला तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे अपने वैल्यू को। ओके, नाउ रिपीट अनटिल लिस्ट इज शॉर्टेड। और इस 5 स्टेप को, इस 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप को हम कब तक फॉलो करेंगे, जब तक मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो है शॉर्ट ना हो जाए। जब तक हम क्या करेंगे, इस स्टेप को हम फॉलो करते चलेंगे। तो हम सिंपली समझते हैं एज अ समरी कि हम इंसर्शन शॉर्ट में हमें क्या करना है। इंसर्शन शॉर्ट में बेसिकली हमें क्या करना है, तो एक शॉर्टेड एलिमेंट का लिस्ट लेना है, ठीक है, उसके बाद जो शॉर्टेड होता जाएगा एलिमेंट उसको मार्क कर देना है
सिंपल। देन क्या करेंगे, कम जो मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट है उसमें से एक वैल्यू को पिक करेंगे और जो मेरा शॉर्टेड लिस्ट है उसमें से उसको उस वैल्यू को कंपेयर करते चलेंगे। हर एक वैल्यू को शॉर्टेड लिस्ट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जहाँ पे भी हम देखें कि मेरे इस कंपेयर्ड वैल्यू से छोटा वैल्यू मिल गया, सिंपली हम क्या करेंगे, उस पोजीशन पे उस वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। एंड इस स्टेप को फर्दर हम रिपीट करते चलेंगे, कब तक, जब तक मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट जो है कम्प्लीटली, दैट मीन्स अनशॉर्टेड लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो है कम्प्लीटली शॉर्टेड ना हो जाए। ओके, नाउ अब हम लोग इस इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिदम के हेल्प से कुछ वैल्यू को, एक अनशॉर्टेड लिस्ट लेते हैं, ठीक है, उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स को लेंगे एंड देन उसको शॉर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन। नाउ ये मेरा एग्जांपल है इंसर्शन शॉर्ट का। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक लिस्ट लिया है ऑफ अनशॉर्टेड वैल्यूज और अनशॉर्टेड एलिमेंट्स, ठीक है, और इसको अब हम लोग शॉर्ट करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिदम। सबसे पहला हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट वैल्यू क्या है 12 एंड सेकंड वैल्यू मेरा 3। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मेरा 12 है क्या ये मेरा छोटा है इस 3 से, नो, ये मेरा क्या है, बड़ा वैल्यू है। तो सिंपली हमें यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है, क्या करेंगे हम इस दोनों वैल्यू को स्वैप कर देंगे। दैट मीन्स मेरा जो छोटा वैल्यू है वो पहले आ जाएगा, बिगर जो ग्रेटर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू, वो यहाँ चला जाएगा सिंपली, एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यू को हम एज यूजुअल नोट डाउन कर देंगे। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, इस 3 और इस 12 में तो मेरा कंपैरिजन हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या कंपेयर करना है, हम 1 लेते हैं। 1 को मैंने क्या कहा, जो मेरा शॉर्टेड है उसको एक तरफ कर देंगे, एक सब लिस्ट बनेगा, और जो मेरा अनशॉर्टेड है वो मेरा दूसरा सब लिस्ट बनेगा। तो मेरे अनशॉर्टेड लिस्ट में अभी क्या है, 1 वैल्यू है। तो अब इस 1 वैल्यू को हमें कंपेयर करना है सिंपली, जो बस एक ही पॉइंट आप अपने माइंड में रखिए, जो मेरा अनशॉर्टेड वैल्यू है उसको हमें कंपेयर करना है हर एक शॉर्टेड वैल्यू के साथ, बस सिंपली। और जैसे ही मेरा ग्रेटर वैल्यू मिलेगा हम सिंपली क्या करेंगे, वहां पे स्मॉलर वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। नाउ अब इस 1 को कंपेयर करेंगे इस 12 के साथ। जब 1 को 12 के साथ कंपेयर करें तो क्या देख रहे हैं, हमें ग्रेटर वैल्यू मिल गया इससे। तब हम क्या करेंगे, इस केस में सिंपली हमें स्वैप कर देना है। दैट मींस 3 इसको एज यूजुअल नोट डाउन कर देंगे, 1 12 5 एंड 8, ठीक है। अब इस 1 को क्या करना है, मैंने क्या कहा, हर एक शॉर्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। अब इस 1 को फर्दर अब इस 3 के साथ हम कंपेयर करेंगे, ठीक, तब हम क्या देखेंगे, इससे ग्रेटर वैल्यू हमें मिल गया। जब ग्रेटर वैल्यू मिल गया तो सिंपल हम क्या करेंगे, 1 3 12 रेस्ट वैल्यू को एज यूजुअल हम नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, 1 का तो कंपैरिजन ओवर हो गया। नाउ अब हम क्या देख करेंगे, अपने इस 4th वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हर एक शॉर्टेड वैल्यू से। तो इस 5 को जब कंपेयर कर रहे हैं इस 12 के साथ, तो हम क्या देख रहे हैं, इस 5 से मेरा ग्रेटर वैल्यू मिल गया। तो जैसे ही हमें ग्रेटर वैल्यू मिल गया सिंपली हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। दैट मीन्स रेस्ट वैल्यू को एज यूजुअल हम नोट डाउन कर देंगे। नाउ अब इस 12 को क्या करें, अब इस 5 को 12 को कंपेयर कर लिया, अब इस 5 को इस 3 के साथ कंपेयर करेंगे। अब इस 5 को जब 3 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या देखेंगे, क्या मेरा बड़ा वैल्यू मिला, इस 5 से बड़ा वैल्यू मिला, नो, यहाँ पे मुझे बड़ा वैल्यू नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, इसको एज यूजुअल हम नोट डाउन कर देंगे। ओके, नाउ फिर से जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तब हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, अब इस 5 को तो कंपेयर कर लिया था इस 3 के साथ, अब इस 5 को हम कंपेयर करेंगे इस 1 के साथ। तो हम क्या देखेंगे, क्या मेरा इस 5 से बड़ा वैल्यू मिला, नो, जब बड़ा वैल्यू नहीं मिला तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको एज यूजुअल हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। दैट मीन्स 1 5 3 12 एंड 8। नाउ जब अब हमने 4th वैल्यू को भी कंपेयर कर लिया, अब मेरे पास क्या बचा, ये 5th वैल्यू। तो जब इस 5th वैल्यू को अब हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, हर एक शॉर्टेड वैल्यू के साथ। तो इस 8 को कंपेयर करिए इस 12 के साथ। जब 8 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, इस 8 से क्या मुझे बड़ा वैल्यू मिला, यस, बिल्कुल। तो जब मुझे बड़ा वैल्यू मिला तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम स्वैप कर देंगे बेसिकली, एंड रेस्ट ऑफ जो मेरा वैल्यू है उसको हम एज यूजुअल छोड़ देंगे। नाउ अब इस 8 को कंपेयर करेंगे हम इस 5 के साथ, तो क्या इससे बड़ा वैल्यू मिला, नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, जब बड़ा वैल्यू नहीं मिला तो हम एज यूजुअल इस केस में भी छोड़ देंगे, ठीक है। अब इस
8 को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इस 3 के साथ, क्या इस 8 से बड़ा वैल्यू मिला? नो, नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम नोट डाउन कर देंगे सारे वैल्यू को, मीन्स नो कंपैरिजन। अब हम फिर से क्या करेंगे, इस 8 को कंपेयर करेंगे इस 1 के साथ, तो क्या इस 8 से बड़ा वैल्यू मिला मुझे? नो, नहीं मिला। तब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हम इसको नोट डाउन कर देंगे, दैट मीन्स 1, 3, 5, 8 and 12। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम अपने हर एक एलिमेंट का कंपैरिजन कर चुके हर एक एलिमेंट के साथ, तो मेरा जो लिस्ट दैट मीन्स शॉर्टेड लिस्ट मिला, दैट इज 1, 3, 5, 8 and 12। यहाँ पे हम क्या देखें, विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन शॉर्ट हमने 5 वैल्यू का एक सब लिस्ट लिए थे, दैट इज अनशॉर्टेड सब लिस्ट, उसको शॉर्ट किया विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन शॉर्ट एल्गोरिदम, और मेरा क्या आया, 1, 3, 5, 8 and 12। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो मेरा अनशॉर्टेड लिस्ट से एक एक वैल्यू को पिक करना है और शॉर्टेड वैल्यू के हर एक वैल्यू के साथ 1 by 1 क्या करना है, सिंपली कंपैरिजन करना है, और अगर मेरा 12 दैट मीन्स ग्रेटर वैल्यू मिल गया तो सिंपली हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। ओके ओके।